अपने आज के वीडियो में हम मिथिला पेंटिंग में बनाए जाने वाले बहुत तरह की कचनियों का करेंगे वर्णन। तो पहली है ठड़ कचनी, सीधी कचनी भी कहते हैं इसको, खड़ी कचनी भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से ये किया जाता है, दोनों साइड में बॉर्डर लाइन बनाकर या फिर कोई भी डिज़ाइन हो उन डिज़ाइन में सीधी सीधी कचनी डालकर। तो इस तरह से इसको बनाएंगे सीधे सीधे, बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही आराम आराम से बनाएंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अब दूसरी कचनी की बारी आती है, तो दूसरी कचनी होती है तिरछी कचनी। जैसे ही सीधी है वैसे ये तिरछा जाएगा बिल्कुल इस तरह से, किसी भी डिज़ाइन में इस तरह से जाएगा बिल्कुल, ये तिरछा जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसमें और इसमें बहुत ही फर्क है, इस तरह से ये जाएगा। ये हमारी तिरछी कचनी है। अब बारी आती है दोहरी कचनी की। तो दोहरी कचनी में क्या करते हैं, तिरछी कचनी ही करते हैं पर दोनों साइड से, एक बार इस तरफ से ये हो गया, ये कंप्लीट कर लेंगे पहले। ये इस तरह से एक तरफ से मैंने कर लिया है, इसको दोहराएंगे। दोहरी कचनी मतलब एक बार इस तरफ से तिरछा किया और एक बार इस तरफ से तिरछा करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन आ जाएगा। ये इस तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बारी आती है जंजीरा कचनी की। ये बिल्कुल एस के तरह बनता है, इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे एस की तरह बिल्कुल। उसके बाद आती है लहरिया कचनी की, लहरी कचनी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करके इस तरह से ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे एक दूसरे से अटैच करके, बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम आराम से। ये दो तरह से बनता है, एक तो इस तरह से और जो दूसरा बनेगा वो इस तरह से भी होता है, ब्लॉक्स बना के और फिर ऐसे ऐसे। ये ब्लॉक्स बनाने के बाद इनको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कचनी के प्रकार थे, चलिए इनको भी पूरा कर लेते हैं इस तरह से। और सबसे अंत में हमारी आती है लहरी झिलमिल कचनी की। तो लहरी कचनी को जो दो बार इधर से और इधर से कर देंगे तो वो हो जाता है झिलमिल कचनी। तो यही थी कुछ टाइप्स।